झारखंड के इन जिलों में आज गरज के साथ झमाझम बारिश, विभाग ने जारी किया अलर्ट। पूरे झारखंड में सक्रिय मानसून का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड में रांची के साथ अन्य जिलों में आज और कल बारिश होगी। मौसम विभाग ने संथाल परगना में येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि संथाल परगना में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी में बुधवार को दिन भर रिमझिम फुहारों ने ठंडक का एहसास करा दिया। अब तो यहां रात में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को निकटवर्ती मध्य हिस्से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज में भारी वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी में 9 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। भले ही मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट में यह कहा जा रहा हो कि वर्तमान में मानसून की सक्रियता सामान्य बनी हुई है, लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि अब तक सिर्फ 8 जिलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। एक तरफ जहां धनबाद में 154.7 मिलीमीटर, दुमका में 123.4 मिलीमीटर, गोड्डा में 105.6 मिलीमीटर, गुमला में 166.8 मिलीमीटर, खूंटी में 119.3 मिलीमीटर, रांची में 109.3 मिलीमीटर, साहिबगंज में 164.7 मिलीमीटर, सिमडेगा में 213.1 मिलीमीटर के साथ मानसून की अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं 1 जून से 3 जुलाई के मध्य सबसे अधिक सिमडेगा में 213.1 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि पाकुड़ में सबसे कम 47.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राज्य में 8 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में मौसम विभाग ने वज्रपात की आशंका भी जताई है। मौसम विभाग ने गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह और जामताड़ा में भारी वर्षा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है।